गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास। इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं पेंट के बारे में बात करूंगा। ये लेक्चर जो है कंटिन्यूशन में है लेक्चर वन के, जो मैंने आपको पेंट का के बारे में बेसिकली एक इंट्रोडक्शन दिया था, उसके बारे में बताया था। आई हैव एसेंशियल टोल्ड यू कि जब भी मैं पेंट ओपन करता हूँ, जो पहली जो विंडो जो सामने आती है मेरे, वो कैसी होती है और डिफरेंट चीज़ें क्या होती हैं और यह क्या डिफरेंट कमांड उसमें दी हुई हैं पेंट में। तो आज बेसिकली मैं उन्हीं डिफरेंट कमांड्स के बारे में बात करूंगा जो हमारे पेंट में टॉप पे रिबन दिया होता है, उसमें जो भी कमांड्स हैं आई विल बी टॉकिंग अबाउट देम। एंड उसके बाद आपको क्विक एक्सेस टूल बार में जो डिफरेंट कमांड्स हैं मैं उनके बारे में बात करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट कमांड विच इज़ दी पेस्ट कमांड। अब पेस्ट कमांड बेसिकली हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ बेसिकली मुझे कोई भी चीज़ मैंने कहीं से कॉपी करी है, कोई भी इमेज मैंने किसी और जगह से कॉपी करी है, उसको जो है मैं पेस्ट करना चाहता हूँ या लेके आना चाहता हूँ मैं पेंट के अंदर, तो वहाँ मैं पेस्ट कमांड का यूज़ करता हूँ। तो चलिए अब व्हाट आई विल डू कि मैं इसको प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा कि हम पेस्ट कमांड कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमको बेसिकली एक इमेज का यूज़ करना पड़ेगा जिसको मैं कॉपी करूँगा और फाइनली मैं यहाँ के पेस्ट करूँगा उसको पेंट के अंदर। तो ये एक इमेज है जो मेरे कंप्यूटर पे ओपन है। तो मैं करूँगा ये कि मैं इस पर्टिकुलर इमेज को मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद इसको मैं पेस्ट करूँगा पेंट के अंदर। सो टू कॉपी दिस पर्टिकुलर इमेज मैं जो हूँ इस इमेज पर राइट माउस बटन क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही मेरे सामने ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, उसके अंदर मैं जो कॉपी कमांड है वहाँ जाके मैं इसको कॉपी कर दूँगा। कॉपी करने के बाद मैं वापस जो हूँ अपना पेंट को ओपन करूँगा और ओपन करने के बाद यहाँ पर जो पेस्ट बटन है उसको मैं क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो जो इमेज मैंने कॉपी करी थी वो जो है यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। तो ये तो हो गया कि अगर मुझे जो है किसी भी इमेज को किसी और जगह से कॉपी करके मैं चाहता हूँ पेस्ट करना पेंट के अंदर, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर दो कमांड और दी हुई है, कट और कॉपी करना। अब कट और कॉपी बेसिकली हम यूज़ इसलिए करते हैं कि अगर यहाँ पर जो ये पेंट में इमेज दी हुई है मैं चाहता हूँ इसको जो है मैं कहीं और ले जाके जो हूँ पेस्ट कर दूँ, उसके लिए मैं कट या कॉपी का मैं वो करता हूँ यूज़। तो फ़र्क दोनों में यह है कि कट से ये होता है कि इमेज मैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करूँगा, मतलब जिस जगह से मैं कट करूँगा वहाँ से इमेज रिमूव हो जाएगी और वहाँ जाके ये पेस्ट होगी जहाँ पर मुझे इसको लेके जाना है। कॉपी कमांड में ये होता है इसकी एक सेपरेट कॉपी बन जाती है जो उसकी ओरिजिनल सोर्स है जहाँ पर ये इमेज है वो वहाँ रहती है, और उसी की एक कॉपी जो है मैं किसी और जगह जाके उसे पेस्ट कर सकता हूँ। तो मान लीजिए मुझे ये इस इमेज को कट करना है, तो मैं यहाँ जाके कट बटन दबाऊँगा। ये कट बटन दबाते ही आप देखेंगे इमेज जो है ये यहाँ से गायब हो गई। अब मैं चाहता ये हूँ कि मैं कट करने के बाद मैं इसी जगह पर इसको फिर से पेस्ट कर दूँ, तो मैं करूँगा क्या, मैं फिर से पेस्ट बटन दबाऊँगा और आप देखेंगे ये इमेज जो है वापस आ गई यहाँ पर। तो करा क्या, मैंने इसे कट करा और वहीं पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इसी तरह कॉपी में मैं क्या करूँगा कि मैं इसकी एक सेपरेट कॉपी बनाऊँगा, जो ओरिजिनल सोर्स है ये वहाँ पर रहेगा ही रहेगा इमेज, और बट उसकी एक सेपरेट कॉपी बन जाएगी। तो उसके लिए मैं कॉपी का बटन दबाऊँगा। कॉपी का बटन दबाने के बाद मैं जो हूँ क्या करूँगा कि मैं जो हूँ इस दफ़ा MS Word को ओपन करूँगा और मैं जो हूँ वहाँ पर कोशिश करूँगा कि मैं इस पर्टिकुलर इमेज को मैं जो हूँ पेस्ट करा सकूँ। तो मैंने MS Word अपना ओपन करा, ओपन हो रहा है MS Word, और अब मैं जो हूँ क्या करूँगा, मैं यहाँ जाके राइट माउस बटन पे क्लिक करूँगा और मैं पेस्ट दबा दूँगा। तो अब जो है ये थोड़ी देर में मोस्ट प्रॉब्ली इज़ गोइंग टू शो मी द इमेज। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने जो है ये इमेज को इसने पेस्ट करी। तो उससे क्या हुआ कि हमारी उस इमेज के दो कॉपीज बन गई, एक कॉपी यहाँ पर हो गई और एक जो उसकी ओरिजिनल जगह थी पेंट पर ये वहाँ हो गई। तो इस तरह हमने जो है कट और कॉपी का करा यूज़ के कट के थ्रू हम जो हैं जो इमेज है उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, और कॉपी से हम उसकी एक सेपरेट कॉपी क्रिएट कर लेते हैं, मतलब सोर्स पे तो रहती रहती है ये, और साथ में जो है ये
जो है आपकी जो है हम उसकी एक सेपरेट कॉपी बना पाते हैं कि दो कॉपी बन जाए, एक सोर्स में रहे जहाँ मेन सोर्स है वहाँ पर, और जो जो नई जगह हमने चूज़ करी है वहाँ पर भी इसकी एक कॉपी बन पाए। सो ये तरीका था जिसके थ्रू हमने जो है तीन कमांड जो आज करके देखी, कट, कॉपी और पेस्ट। ओके सो अब जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं जो हूँ इसमें बेसिकली आपको ये करके दिखाऊंगा कि कैसे मैं जो हूँ और चीज़ें जो हैं, जैसे मान लीजिए सेलेक्ट है, क्रॉप है, रिसाइज या रोटेट है, ये सारी चीज़ें जो है हम कैसे करेंगे। बट ऑल दीज थिंग्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। सो फॉर दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एंड माई लेक्चर, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू गो अबाउट एक्सप्लेनिंग यू डिफरेंट कमांड्स। और डिफरेंट कमांड्स मैंने बताया, सेलेक्ट, क्रॉप, रिसाइज या रोटेट हो गया, मैं उसके बारे में बात करूँगा आपको, मैं वो एक्सप्लेन करूँगा।